तो आज से अब मैं एक हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ। घर वाला रास्ता बना दिया यहाँ तक। और अनार ये दीदी के अपने घर के बाहर, ये वाले पत्ते जो दिख रहे हैं ग्लोई है। गांव से ना काफी दूर है हमारा डस्टबिन। शादी की शॉपिंग। ओ दीदी देख रहे हैं ये वाला। मधु आपके लिए बनाया है मैंने कद्दू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीडियो एडिट करने को थी और मुझे कहीं जाना भी है। तो इसके बाद फटाफट से तैयार होने पर लग जाते हैं। पैकिंग मैंने रात को ही कर दी थी और साथ में ही मैं देख रही हूँ कि इतनी सुबह सुबह लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो वहाँ सामने नीचे देखो, इतनी सुबह सुबह भी लोग खेत में काम कर रहे हैं क्योंकि सुबह ना धूप नहीं होती है इस करके। अभी कुछ मौसम ऐसा है, धुंध सी दिख रही है चारों तरफ, हर जगह धुंध ही है। तो सुबह काम करने का एक ये फ़ायदा होता है कि धूप नहीं लगती है और ठंडा ठंडा मौसम होता है, और जितनी जल्दी सुबह खेत जा सकते हो तो उतना अच्छा है। पर अभी फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हूँ, खुद तैयार हो जाती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। मेरे पास तो इतना सारा सामान पकड़ा देते जब मैं जा रही होती हूँ, फिर ये भी ले जा ये भी ले जा, फिलहाल मैं दीदी के घर तक जा रही होती हूँ, फिर ये भी ले जा वो भी ले जा, फिर इतना भारी कर देते हैं मेरा बैग। होगी मेरे को सर्वाइकल पे नहीं उठाऊंगी अब, मम्मी उठाएंगे बैग वगैरह रोड तक। इन्होंने इतना इतना भारी कर दिया ना मेरा बैग सामान डाल डाल के। अब मैं यहाँ से दूध ही उठाऊंगी, मम्मी उठाएंगे बैग। और यहाँ पे जो हमारे गांव में मनरेगा का काम चला है, यहाँ तक रास्ता ये कर दिया उन्होंने, पत्थर वाला रास्ता बना दिया यहाँ तक। और ये हमारे गाँव की नीचे वाली बावड़ी। थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है सुबह सुबह दिमाग जब मम्मी मेरे पास इतना सारा सामान देते है ना ले जाने को। तो फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मेरे पास है दूध की बाल्टी। तो आज से अब मैं एक हफ्ते के लिए कहीं जा रही हूँ। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है बीच बीच में और थोड़े बहुत काम भी होते हैं। पीपल के पेड़ के पास पहुँच गई हूँ, यहाँ पे नमस्ते कर लेते हैं। और जाने से पहले जब भी हम कहीं जाते हैं यहाँ पे देवता जी को प्रणाम करना पड़ता है। गाया अब दूध की कलेक्शन यहाँ होती है। तो पहले दूध की कलेक्शन आगे होती थी, जो आगे वाली जगह दिख रही है, और स्पेशली दूध कलेक्शन के लिए भी यहाँ पे जगह बनाई है। तो अब यहाँ पे ही होता है दूध कलेक्ट। और मेरे पास थोड़ा कूड़ा है, मुझे डस्टबिन में फेंक के आना है। तो पहले दूध की कलेक्शन यहाँ पे होती थी इस जगह पे, अब वहाँ उधर होती है। और स्पेशली जगह बनी है दूध की कलेक्शन के लिए ही। और साथ में हमारे गाँव का जो डस्टबिन है वो काफ़ी थोड़ा नीचे जाके है, और उस करके मेरे पास थोड़ा बहुत कूड़ा है, मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ रोड से तो नज़दीक है लेकिन घर से काफ़ी दूर है। सुबह का मौसम गांव का बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है क्योंकि अभी तक धूप उतने अच्छे से नहीं आई है, अच्छा मौसम है, लेकिन दिन तक यहाँ इतनी गर्मी हो जाती है। फिलहाल के लिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गांव के डस्टबिन के पास। यहाँ पे है हमारे गांव के डस्टबिन और यहाँ फेंकेंगे हम कूड़ा। ये देखो ये गया कूड़ा। और इस साइड को है शीशे वाला, जो शीशे की बोतल वगैरह होती है कुछ भी, और इस साइड को है जो बाकी कूड़ा होता है घर का वो इधर है। गांव से ना काफ़ी दूर है हमारा डस्टबिन, गांव के बाहर बना है। और अब कुछ दिनों के लिए गांव को कर देंगे बाय बाय, फिर आते हैं घूम फिर के थोड़ा माइंड फ्रेश करके वापस। तो जैसे आज मैं घर से निकल रही हूँ ना, तो मम्मी ने भरे कुछ प्लम भरे हैं, कुछ और सामान जो अपने घर की चीज़ें होती है वो, तो उस करके मेरा बैग हो जाता है बहुत भारी। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा कम सामान भरा करो। तो ये आ गया यहाँ पे दूध की गाड़ी। अब जो ये कैनिया है अब इसमें लोड होगी यहाँ पे। तो दीदी के घर पहुंच चुकी हूँ और आज पहली बार दीदी सुबह सुबह मुझे मिली झाड़ू मारते हुए। लड़की अपनी साफ सफाई कर रही है, लड़की नहीं लेडी। और बार जब भी मैं आती हूँ तब ये पराठे ही बना रही होती है, आज पहली बार रही है झाड़ू मार रही है। तो घर से मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, खाली दूध पी के ही आई थी। तो अब भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होने लगा है। की बोली मधु मैं आई हूँ एक राइम के साथ। मधु आपके लिए बनाया है मैंने कद्दू। मधु की स्पेशल कद्दू सब्जी के लिए विजिट करें लाइफ विद सुमन चैनल को। ये क्या किया माथे पे माथे में है टमाटर, नाखून जैसा मारा नहीं टमाटर लगे है
टमाटर का ये लगाया। तेरे टमाटर लगे माथे में। यस, लोगों के लगते हैं खेतों में, हमारे लगते हैं माथे में। ब्रेकफास्ट करने लगी, दीदी ने परांठे भी बनाए हैं, कद्दू की सब्जी भी बनाई है, जिसमें कि उन्होंने नमक ही नहीं डाला था पहले, बाद में वो मम्मी ने गलती से स्किप किया। अपने फिर मम्मी पर डाल गई, उनकी आंटी बेचारे कुछ बोलते नहीं है, फिर ये सारी गलती आंटी की पूछ लो। फिर और चटनी भी है और खा लेते अब खाना। साथ में हमारे लिए यहाँ पे कस्टर्ड भी बन रहा है, हमारे लिए नहीं आपके लिए बन रहा है स्पेशल, मेरे लिए स्पेशल, तो जिस मेरे लिए स्पेशल बन रहा है कस्टर्ड। और ये देखो यहाँ पे ये जा रहा है स्कूल, अब तो ये पोज देना भी सीख गया है। आपको भी, मुझे नहीं जाना होता, आपको जाना होता है। ये देखो गाइस, बहुत मेहनत कर रही है लड़की अपनी, प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाइटल भी डायरी में लिखती है पहले, फिर जाके ये वो बच्चा है जो पहले कॉपी में लिखता है फिर दिमाग में। देखो पूरी डायरी भर दी इसने, टाइटल लिख के हैशटैग लिख के पूरी डायरी भर दी है। यहाँ देखो पूरी डायरी में इसने यही लिखा है। ये मेरी याददाश्त रहेगी, जब बुढ़ापा आएगा तो मैं ये पढ़ूंगी, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी। गाइस बहुत मेहनत कर रही है, जाके सब्सक्राइब कर दो लाइफ विद सुमन को। तो अभी आया है मेरे लिए कस्टर्ड, पहले मैं ये खा लेती हूँ, फिर आपको और बताती हूँ रिव्यू। विश्रुत स्कूल से आ गया है, अब ये दिखा रहा है बैग की मैंने क्या क्या किया है। ये देखो लंच बॉक्स। श्रुता आपने तो खाना वैसे का वैसा लाया है। ये फुल्का, वेरी गुड। राइट हैंड से अब खाएगा ये सब्जी, बता कैसे करा टच ऐसी ऐसी। कैसे खाते हुए श्रुता आप खाना, देखना देखना, मैं भी बचपन में ऐसे ही खाती थी जैसे ये खा रहा है, देखना सब्जी। मैं भी ऐसे ही खाती थी, बस सब्जी को टच करनी रोटी और बस सीधे सब्जी वैसी की वैसी बच जाती थी। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम का तो क्या दिन का ही टाइम है, कितना बज रहा है भाई, 3:30 नहीं हुआ अभी, 3:30 होने वाले हैं। और दीदी और मैं जा रहे हैं मार्केट की तरफ क्योंकि हमें ज़रूरी काम है। और पीछे को देखो, यहाँ पर दीदी ने करेले लगाए हैं, इनका जुगाड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ऊपर को दिखाओ भाई, दिखाओ, ये अब हमें करेले दिखाने वाली है। ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चे, सच में ही है यार, एक क्यूट लगते हैं ना वो, ये भी छोटे छोटे करेले भी लग गए हैं। इस बार करेले का बिजनेस करेगी बोले। अगर आप लोगों को भी करेले चाहिए तो लाइफ विद सुमन पे कांटेक्ट करें। ये अपनी प्रमोशन का एक भी मौका नहीं जाने देगी। और अभी हम जाएंगे रामपुर बाजार, रामपुर बाजार यहाँ से है थोड़ा दूर, कितना दूर, 10 किलोमीटर होगा शायद। और जीजू हमें छोड़ने आ रहे हैं। इसके घर पे देखो अनार भी लगे हैं, यहाँ पे अनार और अनार, ये दीदी के अपने घर के बाहर, और बहुत ही स्वाद मीठे होते हैं। ये देखो अनार लगे हैं और साथ में विश्रुत भी सो गया है, तो ये अच्छी बात होगी। क्या क्या है आपके किचन गार्डन में? अभी अपने किचन गार्डन के टमाटर दिखा रही है, पहले इसको ही ढूंढने में टाइम लग रहा है, टमाटर रहने दे रहने दे। तो यहाँ पे गर्मी बताऊँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, अब तो इसको दिख गई, अब तो ये दिखाएगी, दिखा के ही रहेगी। ये देखो वहाँ पे एक टमाटर लगा है, गेट खोल ले, ये कड़ी पत्ता, और यहाँ पे है कड़ी पत्ता भी लगा हुआ। क्या है ग्लोई? ये वाली ग्लोई होती है, ये ग्लोई है, और ये वाले पत्ते जो दिख रहे हैं ग्लोई है। इसने इन सब के ऊपर वीडियो बनाई है किसके क्या क्या यूजेस हैं, तो आप इसके चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। अब चलते हैं, बैठ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ से हमें 10 मिनट ही लगेंगे रामपुर के लिए, और गर्मी बहुत होने वाली है वहाँ पे भी। और तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रामपुर बाजार में, और करते अब अपना काम शुरू धीरे धीरे। पर मुझे बाजार में काफ़ी शर्म आती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा व्लॉग करूँगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे आज दोनों। शॉपिंग क्यों करें वो तो बता दें, शादी की शॉपिंग। किसकी शादी? ये नहीं बताएंगे, शादी की शॉपिंग हो रही है, बस इतना जान लो, अब शुरू हो चुकी है शॉपिंग। तो बाजार में हम सबसे पहले अपने किरण दीदी के पास और शॉपिंग करने आए हैं आज। तो दीदी देख रहे हैं सूट, मैं भी देखूंगी, तो दिखाती अभी आपको थोड़े बहुत पीसेस। ओ दीदी देख रहे हैं ये वाला कैसा है, दुपट्टे के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। खाइए दिखाइए, आज हमारी मॉडल है सुमी वर्मा। तो अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है, एक सूट मैंने लिया, दीदी ने भी लिए 2 सूट। दीदी थोड़े एक्स्ट्रा चलते हैं, मेरे लिए लेती है ताकि ये बाद में मेरे को दे सके। चलो ठीक है दी, बाय, ठीक है, बाय बाय। आना
आंटी जी को नमस्ते बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल, बाय। जैसे ही आएगा बोलना, रख दूंगी आप। ठीक है ठीक। तो अभी हमने जस्ट सूट लिए और अब हम आए हैं टेलर भैया के पास, यहाँ पे सिलने को दे रहे हैं। यहाँ पे हमारी दीदी नाप दे रहे हैं, तो देखते हैं हमारे सूट कैसे बन के आते हैं। यहाँ पे बाजार में काफी शोर है। तो अभी हम लोग आए पकौड़े खाने। ये हमारे पकौड़े और ये चटनी। अब खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। तो अभी हम लोग चल पड़े ऑटो में ही वापस, और टाइम तो काफी हो गया है, गर्मी हो रही है बहुत। ऑटो काफी शोर करता है, तो आवाज नहीं आ रही होगी अच्छे से, और मैं माइक लाना भूलूंगी। अब आपको तक नगर जाके ही मिलते हैं। अभी जाके हम पहुंचे यहाँ पे, और अब अंकल जितने स्वीट है इन्होंने हमें अच्छे से ले आए वापस। चलो भाई। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं वापस, और गेट हो चुका है बंद। टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। बाजार जाने से थक जाते हैं। ये देखो हमारे स्वागत में। आप कौन हो? अभी हम सबका चाय टाइम हुआ, अभी हमने पी चाय और स्नैक्स। थैंक यू सर। तो अभी मैं और विश्वत खेल रहे हैं, पूरी टोकरी में ही चला गया है अपने, और सारे खिलौने पहले इसने बाहर निकाले और अंदर डाल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नेक्स्ट डे, और पिछले कल मैं दीदी के घर पे ही थी, और आज मुझे यहाँ से जाना है शिमला के लिए। तो थोड़ी देर में बस आने वाली है, और अब मैं बस तैयार होना है। सुबह से हम लोग थोड़े बिजी थे, और अभी टाइम बताऊँ तो 10:30 कर बज रहे हैं। तो अब फटाफट से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। और आज का हमारा सफ़र रहने वाला है शिमला के लिए। तो और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन शिमला का मौसम काफ़ी ठंडा होने वाला है। तो थैंकफुली अब हम फाइनली यहाँ से निकल के शिमला की ओर चल रहे हैं, तो फटाफट से अब तैयार होते हैं। तो अभी मैं तैयार होके निकल पड़ी हूँ यहाँ से। वैसे मुझे शाम को शिमला पहुँचना है, और इसीलिए मैं अभी दिन को जा रही हूँ। और दीदी वगैरह थोड़े बिजी हैं, और विश्रुत ना सो गया अभी, नहीं तो वो ना जाने ही नहीं देता है। बोलता है कहाँ जा रही है मधु, फिर बाद में भी रोएगा, पूछेगा तो पूछेगा वो कि कहाँ गई मधु। और अब चलते हैं आज शिमला की ओर। अभी तो यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, आगे आगे देखना ठंडी वादियों में जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ही ज़्यादा धूप, जबकि उतनी है भी नहीं, बादल है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस सीधे सिर पे बज रही है धूप। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ जहाँ से मुझे बस लेनी है, अब जो भी बस आएगी उसी में निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी बस रुकी अभी लंच के लिए, जो कि मैं करने वाली नहीं हूँ, और मैं बैठी हूँ बस में। लंच के बाद भी हमारी बस यहाँ पे आगे बढ़ चुकी है, और अब हम लोग हैं नारकंडा की हाइट्स में। ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, पहली बात तो यहाँ पे नेचर भरपूर मिलेगा आपको देखने के लिए, और दूसरी बात आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ऐसी ठंडी ठंडी जगह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब भी मैं ऐसे रास्तों से जाती हूँ मेरा मन खुद ब खुद खुश हो जाता है। और इस बार जब मैं शिमला आ रही थी, तो मुझे रास्ते में अपनी पहली जर्नी जो शिमला के लिए थी वो याद आ रही थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही मौसम था, और बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मुझे पुरानी मेमोरीज बिल्कुल वैसी लग रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस दिन बारिश हो रही थी जब मैं पहली बार शिमला आई थी। शिमला मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और अब भी यहाँ पे मुझे बस चेंज करनी पड़ती है जहाँ मुझे जाना होता है वहाँ के लिए। मुझे जाना है अभी समरहिल। बर्गर राइस, शिमला पहुंच के पहला काम पेट पूजा। एक हमारे साथ ये मोहतरमा, दूसरे हमारे भ्राता। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला, और अपने भाई और अपनी फ्रेंड से भी मिल चुकी हूँ। इन लोगों का आज एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा था कि इनके एग्ज़ाम के बाद ही पहुंचूंगी। बाल ऐसे खड़े खड़े हुए ना सारे, तो अब जा रहे हैं रूम की ओर। और मैंने अपना बैग अब राहुल को दे दिया है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी था। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला अपने रूम पे, और अभी हमने डिनर कर लिया है, और अब बस रेस्ट करेंगे। आज पूरा दिन ट्रैवल का हो गया, और अब कल से देखते हैं, कल से थोड़े नए व्लॉग बनाऊंगी। आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधुरमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। और मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि राहुल भाई कहाँ हैं। तो राहुल भाई शिमला में होते हैं, और जब जब उनका मन करता है वो तभी व्लॉग में आते हैं, अभी तो नहीं आएंगे। तो अब आपको राहुल भाई से कल मिलवाती हूँ, और आपके कोई क्वेश्चन है राहुल के लिए तो आप जरूर कमेंट में पूछना, तब मैं राहुल से वही क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर मिल जाएंगे।